नमस्कार, मैं सोनाली काजा जुबली पोस्ट के खास शो बिग फाइव लेके फिर से हाजिर हूँ। इसमें हम बात करते हैं देश भर की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के 49वें जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए उनको धन्यवाद दिया। राजस्थान के कोटा के सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है। मंगलवार को उन्होंने अपना नामांकन किया था। उनके नामांकन के बाद कोई भी पर्चा नहीं भरा गया, जिसके बाद वो निर्विरोध लोकसभा स्पीकर के पद पर चुन लिए गए। बिहार में चमकी बुखार का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें मरने वालों बच्चों की संख्या 113 हो गई है, वहीं 418 का इलाज चल रहा है, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पर अभी तक ना तो सरकार और ना ही डॉक्टर तय कर पाए हैं कि ये बीमारी कौन सी है। देश में लंबे समय से एक देश एक चुनाव को लेकर छिड़ी बहस के बीच पीएम मोदी ने आज सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल के अध्यक्षों को शामिल होना है। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती एवं अखिलेश यादव ने न आने का ऐलान किया है। कलकत्ता में पूर्व मिस इंडिया यशस्वी सेन गुप्ता के साथ बीच सड़क पर बदतमीजी का मामला सामने आया है। मंचलों ने यशस्वी के कैब ड्राइवर के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने अभी तक इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।